हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों इससे पहले हमने यूपी पुलिस का बहुत सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया है और फिर हम इधर यूपी प्रेड और यूपी एसआई में लाइव पर आ गए हैं। बीच बीच में मैंने बोला था कि आप लोगों के पास वीडियो हम यूपी पुलिस का ज़्यादा नहीं, 20-20 क्वेश्चन का भेजते जाएंगे। तो दोस्तों हमने इसके पहले जितनी वीडियो भेजा सब लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर हम वीडियो लेकर आए यूपी पुलिस का। तो दोस्तों जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम आज का वीडियो अपनी शुरू करते हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस समान अध्ययन का प्रैक्टिसर है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है इंसुलिन। तो दोस्तों इंसुलिन किससे संबंधित है भाई? तो इंसुलिन जो है, हाँ दोस्तों इंसुलिन का संबंध किससे है? तो हमने यहाँ चार ऑप्शन दे दिया है, मिर्गी से है, स्कर्वी है, खांसी है या मधुमेह। तो इंसुलिन मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह के लिए से संबंधित है। अब यहाँ एक प्रश्न और आ जाता है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज 1921 में किसने की थी दोस्तों? ईएफ बैंटिंग ने की, ईएफ बैंटिंग ने इसकी खोज की थी इंसुलिन की, और कब की थी? 1921 में। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? मधुमेह रोग जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आता है गुलिस्ता बोस्ता के लेखक कौन है? तो गुलिस्ता बोस्ता के लेखक कौन है दोस्तों? अब हमने चार ऑप्शन यहाँ दे दिया है, गालिब हैं, तो हाँ दोस्तों एक सेकंड, हाँ कहता है कि लेखक कौन है, गालिब है, उमर खयाम है, शेख सादी है या फिर दोषी है। तो आप लोग बता सकते भाई, इसका जो आंसर होगा दोस्तों शेख सादी। तो शेख सादी ने लिखा था गुलिस्ता बोस्ता। ठीक, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं महायान के संस्थापक। तो महायान के संस्थापक कौन है भाई? तो देखिए कहता नागार्जुन, उपाली, अश्वघोष या आनंद। तो महायान ये जो है बच्चों, ये जैन धर्म का विभाजन है कि जब चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था तो बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान बना और दूसरा महायान बना। तो हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और महायान के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। यानी महायान मूर्ति पूजक हुआ और हीनयान मूर्ति पूजक नहीं है। तो यहाँ दोस्तों महायान के संस्थापक नागार्जुन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है, कहाँ प्रारंभ हुई? तो 1959 कहाँ शुरू हुई थी? राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर ज़िले में, नागौर ज़िले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर किया गया, तो हमारा दोस्तों यहाँ आंसर जाएगा राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा
राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? अब अध्याय 33, 34, 35 और 36। तो दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन 1975, तो 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है फ्यूहर। फ्यूहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्यूहर के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं भाई? ताता है, स्टालिन, हिटलर, नेपोलियन या मैसोलिन। तो किसे जाना जाता है फ्यूहर? तो फ्यूहर किसे कहा जाता है भाई? तो फ्यूहर हिटलर को बोला जाता है। हिटलर जो थे दोस्तों, ये जर्मनी के तानाशाह शासक थे। तो हिटलर को फ्यूहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं, कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में सुमेलित है भाई? अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। अब हम रूस की क्रांति की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। अमेरिका की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो ये सही जवाब है, यानी करेक्ट सही है, यानी 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये जो 1855 दिया है गलत है, 1857 आंसर जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ हमारा आंसर दोस्तों जा रहा है अमेरिका, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, IRDP प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों IRDP प्रारंभ कब किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का था 1868 से 69, 77 से 78, 78 से 79, 82 से 83। तो दोस्तों कब लाया गया, कि हमारा आंसर जाएगा 78-79 में लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं रामायण। तो रामायण के रचयिता कौन है भाई? तो रामायण के रचयिता तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि। तो रामायण के रचयिता कौन है भाई? तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। तो आंसर हमारा वाल्मीकि जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमारा है 1912 से 1917। तो 1912 से 1917 है, इसका जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो 6.7%, यानी 8% का लक्ष्य रखा गया था। तो 8% हमारा जाएगा, 6.7 नहीं 8% लक्ष्य रखा गया था, तो 8%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मास्को। कहता है मास्को जो हमारा है, कहता मास्को, व्हाइट हाउस, लंदन, आइसोफेल टावर, वाशिंगटन, रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका क्या जाएगा भाई? व्हाइट हाउस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कि हमारा पड़ता अमेरिका में, अमेरिका या अमेरिका में जाएगा, ठीक। लंदन आइसफेल टावर है, ठीक है। तो आइसफेल टावर लंदन, यह हमें सही लग रहा है, यानी यही आंसर सही है। वाशिंगटन रेड स्क्वायर, तो वाशिंगटन में रेड स्क्वायर जो है, ये वाशिंगटन में नहीं दोस्तों, कहाँ पड़ता? मास्को में पड़ता। तो ये दोस्तों मास्को में है, और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यूयॉर्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल
लेकिन अंतर दो जा रहे हैं भाई। तो न्यूयॉर्क का संयुक्त राज्य अमेरिका है, व्हाइट हाउस भी अमेरिका है, तो थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है। सॉरी, रेड स्क्वायर लंदन एपिल टावर, लंदन वाला भी गलत सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही, दो आंसर जा रहे हैं भाई। लंदन आईफेल टावर लंदन में है, न्यूयॉर्क संयुक्त अमेरिका में, ये दो आंसर जा रहे हैं भाई, ये और ये दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन में। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है भाई? तो सबको पता है भाई कि भारत के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमने चार ऑप्शन दिया है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों कहता है मूसा सेपिंटम होमोसोपियंस बाथ इंडिकस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ जो आंसर जा रहा है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस जा रहा है आंसर। तो बिल्कुल भाई होमोसोपियंस सही है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है भाई? हम आपको बता दें रियल दूरी क्या है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14, 95, 97, 900 किलोमीटर। तो किलोमीटर ये मुख्य रूप से इसकी दूरी है। तो अब आंकड़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है भाई। तो 14,95,97 यानी 14,95,97,900 किलोमीटर दूर है, इनमें से जाएगा कोई नहीं। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं पवन की गति निम्न में से किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों तो पवन की गति मापते कितने? तो बैरोमीटर से मापी जाती है, तो बैरोमीटर आंसर जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर से। इसके बाद हमारा आता है इटली की मुद्रा। तो दोस्तों इटली की मुद्रा क्या है भाई? तो देखिए कहता है पाउंड है, लीरा है, यूरो है या दिनार है। तो इटली की मुद्रा दोस्तों, यहाँ क्योंकि इटली हमारा पड़ता है कहाँ पर, तो इटली हमारा आ जाता है आपका हाँ इटली जो हमारा है ये यूरोप कंट्री में पड़ता है, इसलिए यूरो है। पहले फ्रेंक थी, अब यूरो मुद्रा हो गई इसकी, तो यूरो जाएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र सीमा क्या हो सकती है भाई? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है दोस्तों? प्रधानमंत्री लोकसभा का, लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा का सदस्य बनता है दोस्तों। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? यहाँ हमारा आंसर जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, तो 25 वर्ष से आंसर होगा। ठीक है, और 30 वर्ष राज्यसभा का भी मेंबर बन सकता है, तो राज्यसभा 30 पे है। राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश हैं। तो कहता संसद कानून पारित करने से मना कर देता, तब राज्यसभा या लोकसभा में मतभेद हो, दोनों सदनों का सत्र अवसान हो चुका हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता। कहता यदि अध्यादेश मतलब होता आदेश, यदि लोकसभा राज्यसभा में थे कोई भी सदन सत्र में नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सदन की बैठक को बुला सकता है, आहूत कर सकता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट, तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट कब लागू किया गया भाई? तो इसे लागू किया गया था, चार ऑप्शन हमने दे दिया, 1941, 42, 43 या 44। तो दोस्तों 44 आंसर होगा, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट 44 में लागू किया गया। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
कहाँ बनता है दोस्तों? तो चार ऑप्शन हमने दिया, इसका कहाँ बनता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आभासी लेंस बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका अवतल लेंस पर। तो अवतल लेंस हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ही समाप्त करते हैं। फिर एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चंस, हमारे मैटर अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्त यारों के पास भी भेजिए जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें यदि पसंद आती है तो भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।